तो फ्रेंड्स, मैं लेके आ चुका हूँ दो पेयर ऑफ ड्रॉफ गुरामी, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी कंडीशन में है। और आप देख सकते हैं गाइस, इसमें जो फीमेल्स है वो हमारी पहले से ही लोडेड है, तो हमें फीमेल लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ब्रीड करने के लिए मैंने ले लिया दो थर्माकोल बॉक्स, जो कि देख सकते हैं काफ़ी गंदा है। मैं इसको धुल लेता हूँ जल्दी जल्दी से। ये देखिए, नॉर्मली मैंने पाइप से धुल लिया है, और इसमें कई बैक्टीरिया और फंगस भी हो सकते हैं, इसीलिए उनको ट्रीट करने के लिए मैंने एंटी फंगस डाल दिया है, क्योंकि इसमें हम ब्रीडिंग कर रहे हैं तो कोई रिस्क नहीं लेंगे। और इसको डालने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से धुल लिया। काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि आप देख ही सकते हैं काफ़ी ढेर सारी मिट्टी इसमें जमी पड़ी है, क्योंकि ये छत में पड़ा हुआ था। इसमें तो मॉस्किटो लार्वा भी थे काफ़ी सारे, उनको तो निकाल के मैं दे दिया। फिर ये जो ड्रम देख रहे हैं गाइस, इसमें मैं पानी स्टोर करता हूँ। इसमें बासी पानी था, इसको मैं लेके आ गया एजेड वाटर काफ़ी दिन का, सो मैं रख दिया ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो जाए जल्दी जल्दी से। और फिर मैं चला गया था थोड़े से प्लांट्स लेने के लिए। प्लांट्स मुझे अपने इस गप्पे ब्रीडिंग सेटअप में मिल गए थे। ये देख सकते हैं इसमें हॉर्नवॉर्थ ग्रोथ गाइस कितनी अच्छी हुई है, तो मैं इसमें से जल्दी जल्दी से कटिंग कर लिया था जो जो मुझे अच्छा लगा, जिसमें जिसमें एल्गे नहीं थे, तो काफ़ी ध्यान से कटिंग करना पड़ा था, क्योंकि इसमें भी गप्पी के बहुत सारे फ्राइज थे। मैं इसका वीडियो आपको जल्दी दिखाऊंगा, बहुत ढेर सारे फ्राइज है गाइस इसमें। ये देख सकते हैं आप, कितना ही अच्छा एक पीस मिल गया है हम लोग को। तो मैंने इतने हॉर्नवॉर्थ ले लिया और इनको लेके गया, मैं इनको वॉश कर लिया जल्दी जल्दी से, क्योंकि दूसरे सेटअप से दूसरे सेटअप में डाल रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने प्रिकॉशन के लिए वॉश कर लिया। मुझे लगा हाँ, वॉश कर लेना ज़्यादा सही रहेगा। फिर वॉश करने के बाद इसको मैं डाल दिया था, और फिर मैं अपना आलमंड लीव ढूंढने लगा था। मैं पता नहीं कहाँ रख दिया था, मैं तो भूल भी गया था कहाँ है, क्योंकि बेटा का ब्रीडिंग काफ़ी दिन से मैंने किया नहीं था गाइस, तो इसीलिए आलमंड लीव मुझे मिल नहीं रहा था। बट फिर भी मैं इधर उधर करके ढूंढ ही लिया। ये देख सकते हैं गाइस, हमने दो आलमंड लीव ले लिया है, और इसको अब इसको भी हम लोग धो लेंगे। ये आलमंड लीव काफ़ी पुराना है, ये पिछले साल का है, क्योंकि जो ठंडी में आलमंड लीव गिरता है वही हम लोग लेते हैं जो नेचुरल पेड़ से गिरता है। और इसको दोनों को मैंने डाल दिया था, और मैंने इनको फीडिंग के लिए गाइस भाई मॉस्किटो लार्वा ही दिया था, जो कि मैंने पहले ही बताया था हमारे इस बॉक्स में थे। थोड़ा सा मैंने बचा लिया था इनके लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ड्राई ट्यूबिफिक्स फॉर्म खाएँ या ना खाएँ, इसलिए लाइव फीडिंग मैंने पहले ही रख ली थी। बस उसके बाद मैंने इनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए इनको छोड़ दिया इनके इनके सेटअप में, एक पेयर पहले सेटअप में और दूसरा पेयर दूसरे सेटअप में। तो छोड़ने के बाद हम फिर देखने लगे हमारा मेल और फीमेल अच्छे से एडजस्ट हो गया है कि नहीं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारी फीमेल जो कि आलमंड लीफ के नीचे छुपी हुई थी, और मेल हॉर्नवॉर्थ के नीचे छुप गया है। ये देख सकते हैं गाइस, ये अभी थोड़ा सा इनका कलर फेड हुआ है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस की वजह से इधर से उधर लोकेशन चेंज हुआ है आई गेस इस वजह से भी। और इसमें वाली फीमेल भी हमारी आप देख सकते हैं, और मेल कहाँ गया, ये छुप रहा है, काफ़ी डर रहा है गाइस अभी। बट देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसमें। तो गाइस जल्दी जल्दी होप करते हैं कि जल्दी जल्दी से हमारी ब्रीडिंग सक्सेसफुल हो जाए। और ये देख सकते, ये देखिए गाइस, ये सेकेंड डेज है हमारा ब्रीडिंग का, तो मेल ने थोड़ा थोड़ा सा बबल नेस्ट बनाया है, तो मुझे लग ही रहा था कि हाँ बबल नेस्ट बना लिया है मेल ने, तो अब ब्रीडिंग सक्सेसफुल हो ही जाएगी। मैंने इनको फिर से यार लाइव फीड ही दिया था गाइस मॉस्किटो लार्वा, क्योंकि मेरे पास ट्यूबिफिक्स फॉर्म लाइव अवेलेबल है नहीं, और मोइना भी अभी मेरे पास नहीं है। मैंने इनको मॉस्किटो लार्वा ही दिया। और ये जो आप फोटेज अभी देख सकते हैं, ये है दूसरे दिन का शाम का। आपको एक्स दिखाई दे रहे होंगे गाइस, कितने छोटे छोटे से एक्स हैं जो कि सारे आलमंड लीव के चिपके हुए हैं, और काफ़ी ढेर सारा है जो कि हमारे हॉर्नवॉर्थ में भी पूरे में चिपका हुआ है। ये देख सकते हैं आप, कितने ढेर सारे एक्स होंगे गाइस, कमेंट करके बताइएगा, गेस करिएगा कितने। तो गाइस उसके बाद मैंने मेल और फीमेल को उस ब्रीडिंग बॉक्स से निकाल दिया, क्योंकि हो सकता है ये दोनों एक्स को खा जाएं, तो मैं ये नहीं चाहता कि उनको खा ले, इसलिए मैंने दोनों मेल और फीमेल को एक उस ब्रीडिंग बॉक्स से निकाल के एक दूसरे ब्रीडिंग बॉक्स में डाल दिया। हो सकता है ये फिर से ब्रीड करें, क्योंकि सारे ही एक्स नहीं निकल। तो ये देखिए गाइस, हमारे जो फ्राइज थे वो एग में से रिलीज़ हो चुके हैं, और मैं आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि फ्राइज काफ़ी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ये देखिए, एक जो आपको हिलता हुआ दिख रहा है वो है हमारा एक फ्राई घूम रहा है, और उसके साइड में भी घूम रहा है। तो ये देख सकते हैं, अभी आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा। तो मैं आप लोग को और अच्छे से दिखाने के लिए अपना माइक्रो लेंस लेके आता हूँ। रुक जाइए गाइस, इसको फ़ोन में सेट करना पड़ेगा, दिनों आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊँगा कितने सारे फ्राइज हैं।
सो ये देख सकते हैं गाइज, ये माइक्रो का हमारा फोटेज है। ये देखिए इधर भी दो फ्राइज हैं और यहाँ तो काफ़ी ढेर सारे हैं, आप लोग देख सकते हैं और भी काफ़ी कुछ है। ये देखिए यहाँ तो अभी और एग्स निकल ही रहे हैं। एंड तो बस गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।